अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम जीएस का यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें है डाइजेशन, यानी हमारी बॉडी में फूड जो है, खुराक हम खाते हैं वो हजम कैसे होती है। इससे पिछले चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा था कि हम कौन कौन सी डाइट लेते हैं। इसमें हम डाइजेशन पढ़ेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर होता है और कैसे वो हमारी बॉडी में हजम होता है। अब ये जो है, आपको पता है सिस्टम नीड्स फूड, यानी हमारी बॉडी में हर सिस्टम जो है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से है, सर्कुलेशन सिस्टम के हवाले से है, या फिर आपका नर्वस सिस्टम है, तो हर सिस्टम को फूड की ज़रूरत है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। अब ये जो फूड है, ये हमारी बॉडी में आप देखते हैं कि ये स्ट्रेट नहीं जाती, कैन नॉट गो स्ट्रेट इन बॉडी। अब इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट जो है फूड हमारी बॉडी में नहीं जाती, हम माउथ के ज़रिए उसको एंटर करते हैं, तो हमारे टीथ जो हैं उसको कटिंग करने में, ग्राइंड करने में, उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये ब्रोकन डाउन जो है सब्सटेंस विच कैन बी अब्सॉर्ब्ड, तो वो किस तरह होंगे, तो ये हमारी बॉडी में फूड जो है वो किस तरह इसकी ब्रेक डाउन होती है, प्लस ये एब्जॉर्ब कैसे होगी, यानी हमारी बॉडी में ये हजम जज़ब कैसे होगी, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हम जब खाना खाते हैं, तो आप देखते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो हम इसको पहले तोड़ते हैं, तो ये इसकी ब्रेक डाउन जो है वो किसके ज़रिए होती है, ये हमारे टीथ के ज़रिए होती है। सबसे मेन पॉइंट जो होता है हमारी बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का सबसे मेन पार्ट और फर्स्ट पार्ट जो है वो है टीथ। आज हम टीथ को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि टीथ क्या है। आप देखते हैं बेबी बोर्न विदाउट टीथ, इसका मतलब ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप देखते हैं छोटे लिटिल बेबीज़ को उनके दांत नहीं होते। अब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो टीथ आना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अबाउट थ्री ईयर्स, यानी जब बेबी की एज जो है वो 3 ईयर तक, 3 साल तक हो जाती है, तो उसके मुंह में अ सेट ऑफ 20 टीथ होते हैं, अ सेट ऑफ 20 टीथ, यानी हम देखते हैं कि हमारे जो मुंह है उसमें टोटल 32 टीथ है, लेकिन जब 3 ईयर का बेबी होता है तो उसके मुंह में 20 टीथ होते हैं। अब ये जो सेट होता है 20 टीथ का, इसको हम कहते हैं कि ये मिल्क टीथ है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, 7 ईयर के होते हैं, तो ये टीथ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो टीथ आते हैं उसको हम कहते हैं कि ये परमानेंट टीथ है। एट द एज ऑफ 6 और 7 ये दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और दोबारा जो है उसका पूरे के पूरे दांत जो हैं दोबारा आते हैं, रिप्लेस होते हैं, उन दांतों को हम कहते हैं कि ये परमानेंट टीथ हैं। अब जैसे हमने पढ़ा है कि जो 3 ईयर्स के बेबी होते हैं इनके मुंह में जो है अ सेट ऑफ 20 टीथ होता है, तो अगर हम इसके पढ़ते हैं कि 9 ईयर के जब हो जाते हैं, About 9 ईयर, तो ये 32 हो जाते हैं, 32 टीथ। अब ये टीथ जो होते हैं 32, इनको हम कहते हैं कि ये परमानेंट टीथ है, यानी मिल्क टीथ जो हैं ये टूट जाते हैं और इनकी जगह नए टीथ आते हैं, वो गिर जाते हैं, लेकिन ये जो हैं ये परमानेंट टीथ होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ, दांत जो हैं ये 3 तरह के हैं,
इंसाइजर, इंसाइजर्स के बाद है आपके मुंह में केनाइंस, इसमें है मोलर, प्रीमोलर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इनके टाइप्स के साथ साथ इनके आपके मुंह में जो फंक्शन है वो बताऊंगी कि ये किस तरह हमारे मुंह में अपना अपना काम करते हैं। ये आपके मुंह में जो फ्रंट टीथ हैं उनको हम कहते हैं इंसाइजर्स, फ्रंट टीथ। आगे वाले जो चार दांत होते हैं इसको हम कहते हैं ये इंसाइजर्स हैं। इनका काम क्या है, ये कटिंग करने में, कटिंग फूड यानी खुराक को काटने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद ये बाइट लेने में भी हेल्प करते हैं, प्लस बाइटिंग फूड। आपके मुंह में जो फ्रंट टीथ हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारी बॉडी के, हमारे मुंह के इंसाइजर्स। इनका काम क्या है, ये हमारी फूड को कट करने में, उसको बाइट करने में हेल्प करते हैं। और इनकी टोटल अमाउंट होती है 8 टीथ, इनकी टोटल अमाउंट 4 ऊपर और 4 नीचे, ये टोटल मिलके 8 बनाते हैं। इंसाइजर्स को रिपीट करें, फ्रंट टीथ है, ये इनका काम क्या है, ये हमारी फूड को काटने में, उसकी बाइट लेने में हेल्प करते हैं। इनकी टोटल अमाउंट जो होती है वो 8 है। इसके बाद हम पढ़ते हैं केनाइंस। स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि हमारे मुंह में 4 ऐसे टीथ हैं जिनकी नोक होती है, इनको हम कहते हैं पॉइंटेड टीथ यानी नोकदार, पॉइंटेड टीथ। ये पॉइंटेड टीथ है, हम लोग चिकन वगैरह जब खाते हैं तो ये इसको काटने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं। इनकी नोक जो होती है, पॉइंटेड का मतलब है नोकदार, तो ये नोक जो है वो हमें गोश्त वगैरह खाने में, बीफ खाने में, फिश वगैरह खाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद देर आर 4 केनाइंस, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, यानी इनकी टोटल अमाउंट जो है हमारे मुंह में 4 है, 4 टीथ, 2 ऊपर वाले जॉ में पाए जाते हैं और 2 ही नीचे वाले जॉ में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग मोलर के बारे में पढ़ते हैं, द बिगर फ्लैटर टीथ, ये हमारे मुंह में बड़े टीथ पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं बिगर फ्लैटर टीथ, इसको हम कहते हैं कि ये मोलर है। मोलर जो है इनके बाद हमारे मुंह में पाए जाते हैं प्री मोलर। अब ये प्री मोलर जो है ये हमें फूड ग्राइंड करने में एंड च्यू यानी चबाने में हेल्प करते हैं। अब हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं टीथ की, इंसाइजर्स, केनाइन, मोलर, प्री मोलर। इंसाइजर्स क्या हैं, ये हमारे फ्रंट टीथ हैं, ये हमें कटिंग करने में, बाइट करने में हेल्प करते हैं, इनकी टोटल अमाउंट जो है वो 8 है। केनाइन जो है ये पॉइंटेड टीथ हैं यानी शार्प होते हैं, या हम जब चिकन वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं तो वो उसको काटने में हेल्प करते हैं। मोलर बिगर और फ्लैटर टीथ है, ये भी क्या करेंगे, मोलर और प्री मोलर ये हमें खुराक को ग्राइंड करने में और उसको चबाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा है, कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।